अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी 6:43 हो रहे हैं और मुझे 7:20 पे घर से निकलना है यूनिवर्सिटी के लिए, और सुबह सुबह उठने का ज़रा दिल नहीं करता। समझ नहीं आता कि बंदा नींद कब पूरी करे, यूनिवर्सिटी से आके करे या सहरी के बाद करे। रमज़ान में आधा टाइम तो यही सोचने में निकल जाता है कि भाई नींद कैसे पूरी होगी, पढ़ाई तो बाद में करेंगे। तो अभी मैं अपने भाई को उठाती हूँ ताकि वो मुझे यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आए, क्योंकि कुछ नहीं। सो मैं अभी उसे उठाने जा रही हूँ। हसन हसन, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ के आना प्लीज़ ना। आओ फिर, अपना मोबाइल भी छोड़ के चली जाऊँगी तुम्हारे लिए। प्लीज़ ना, मैं नहीं आया। प्लीज़ ना हसन, भाई नहीं आओ मेरे, प्लीज़ प्लीज़ मत तंग ना कर, प्लीज़ ना। ना तो नहीं, प्लीज़ मेरे छोटे भाई नहीं हो? नहीं, पता था मुझे। आ जाओ ना। A few moments later, हसन को मैंने ज़बरदस्ती उठा दिया। अब वो फेस वॉश करने गए, उसके बाद हम फटाफट यूनिवर्सिटी चलते हैं। अभी तो काफ़ी टाइम है, लेकिन मैं बहुत पंक्चुअल बच्ची हूँ, मुझे जल्दी तैयार होने की बहुत आदत है। तो इसीलिए पता है, रोज़ा रख के ना ज़बान इतनी ज़्यादा फिसल जाती है, अल्फाज ही नहीं आते मुंह में, तो इग्नोर दैट। ठीक है, आज का मौसम इतना सही है ना, 2 दिन से बारिश हो रही है शाम को, तो उसकी वजह से मौसम ठंडा हो गया है, मतलब अच्छा हो गया है ना हसन। एक बार मैं आपको इन लोगों से मैं मिला लेती हूँ। ये और चुप कर जा, ये हमारा है, ये हमारी क्लेयर है, ये हमारा सिम्बा है, हमने इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम टॉम था, हम लोगों ने सिम्बा रखा है, और ये हमारे पास जेरी है, और ये मून का खाना है जो ये उठा के इधर ले आई है, जंगली औरत। अम्मी से कहूँगी मैंने इस लोफर के साथ नहीं आना, मुझे वीडियो भी बनाने नहीं देता, इस हाथी को अपने पास ही रखे, मैंने अम्मी के साथ ही आना है। हाथी कहीं का मौसम चेक करें, कितना अच्छा हो रहा है मौसम, और ये बीच में कितना बड़ा हाथा आ जाता है मौसम का बेड़ा गर्क करने के लिए। बालों में तो हाथ ऐसे फैर रहे जैसे चोटी ना बन जाएगी। हसन वो देखो, तुम्हारी दूसरी नस्ल हसन, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारी नहीं तुम्हारी नस्ल, उसके साथ टिड्डे पिड्डे भी हैं 2-3। एक आप हो, ओह सेम टू सेम तुम्हारे जैसे, इस तरफ वाला ना, वो आप हो इस तरफ वाला, नहीं ये तो सेम टू सेम तुम्हारा जैसे। अल्लाह, बाय बाय, ना मिले हम फिर कभी हाथी। वरना ना ये रोज गेट में ना बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आज नहीं है क्योंकि आज जुम्मा है, और रोज़े में कौन आता है जुम्मे को यूनिवर्सिटी। हाय अल्लाह, ऐसा लग रहा है मैं गलती से आ गई हूँ यूनिवर्सिटी, कोई नज़र नहीं आ रहा, जिन बला भी नज़र नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, अगर मैं आ भी गई गलती से तो वापस घर चले जाएंगे, मेरा घर कोई इतना दूर भी नहीं है। आज कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको ना दिखाती हूँ हमारे कुछ ब्लॉक्स, कुछ डिपार्टमेंट्स दिखाती हूँ। उस साइड पे भी डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उधर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि पहले ही रोज़ा लग रहा है, प्यास लग रही है, तो स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। ये हमारे पास मैथ्स, इंग्लिश और एजुकेशन और आईटी के डिपार्टमेंट है, और इसे हम लोग काली कोठरी भी कहते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अंधेरा है इसमें, और अंदर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे लग रहा है अभी मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आई हूँ। ये कौन बैठी हुई है, ये मेरी क्लास की कोई नहीं है, तो वो लाइब्रेरी है, फिर कभी उधर भी जाएंगे लेकिन रमज़ान के बाद। ये हमारा डिपार्टमेंट है, लेकिन ओ मैं खोलती हूँ उसे, कोई भी नहीं आया। हाय अल्लाह, कोई भी नहीं, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं अकेली हूँ यूनिवर्सिटी में, नहीं सॉरी अपने डिपार्टमेंट में। या मारा की बच्ची भी नहीं आई, वरना तो वो जल्दी आ जाती थी। ये बिल्ली की आवाज़ आ रही है आप लोग को?
इसको ढूंढते, ऊपर से आवाज आ रही। ये यहाँ पे बैठी है, मुझे लगा तुम कमरे में बंद हो गई होगी। अरे अरे इतनी प्यारी बच्ची, इतनी फ्लफी है, क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? अगर मुझे पता होता आज तुम मुझे मिलने वाली हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती। मेरे पास आओ। अले 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 कहाँ से आई हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, हैं इधर ही पढ़ती हो? अरे इतनी प्यारी है ये, इतनी फ्लफी है, इधर पढ़ती हो? पहले तो नहीं देखा, कहाँ पढ़ती हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो, हैं जूनियर हो कि सीनियर हो? सीनियर तो नहीं लगती, पहले तो नहीं देखा तुम्हें, कहाँ पे पढ़ती हो, इस यूनिवर्सिटी की हो? एक्चुअली ना ये दरवाज़ा बंद था ना, मेन गेट, तो मुझे लग रहा है ये कल रात से यहाँ फंसी हुई है, कल से। अंकल को चेक तो करना चाहिए ना, ये तो गलत बात हुई, इतने प्यारे फरिश्ते को बंद करके छोड़ दिया अंकल ने, ये क्या बात हुई? डर गई थी फरिश्ती, ये फरिश्ती हुई या फरिश्ता हुआ ये पता नहीं, मुझे नहीं पता। बुढ़ी हो गई हो, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, है एंजेलिना, एंजेलिना भाई भी, चलो हम नीचे चलते हैं, आ जाओ, चलो चलो आओ मेरे साथ चलो। डर गई थी, अंकल को शर्म नहीं आई तुम्हें बंद करते हुए, है एंजेलिना, कम भाई भी, कम विद मी, आ जाओ मैं तुम्हें रास्ते दिखाती हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर जाके घास खा लेना। अरे अरे पढ़ने का दिल कर रहा है, मैथ्स डिपार्टमेंट की हो तुम, मैथ्स डिपार्टमेंट की हो, मुझे भी मैथ्स पढ़ा दो, मुझे मैथ्स नहीं अच्छा लगता यार। मैं और एंजेलिना चले नीचे। एंजेलिना यहाँ पे मत रहा करो ठीक है बेबी, यहाँ पे रहोगी तुम फंस जाओगी ठीक है, कितनी दुबली पतली होगी हो, कुछ खाया पिया करो, समझ आता है कि तुम मैथ्स डिपार्टमेंट की हो, इतना भी मत पढ़ो ना कि तुम्हारी हालत ही ख़राब हो जाए, हैं हालत ख़राब होगी, इतनी पतली होगी हो तुम। क्लास ली और अजीब ही सर आगे सर आगे सर आगे सर आगे। मैथ की क्लास बहुत बुरी गुजरी, अर्बनाइजेशन से भी कोई उम्मीद नहीं है। इधर आना नहीं, आना नहीं, आना अब आगे आना, मैं पागल ही वीडियो बना रही हूं, मैं यूट्यूब में डालूंगी। हम लोग क्लास ले रहे और हमें शर्म नहीं आ रही, सर सामने ही है, हम वीडियो बना रहे हैं, सर सामने ही बैठे हैं और हम ऐसी बूंगी बूंगी हरकतें कर रहे हैं। आजा, हमने अर्बनाइजेशन की क्लास भी ले ली, अभी 10-12 हो गए, हम लोग थोड़ी गपशप करेंगे उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। हमारा मैडम घर नहीं जाती जल्दी क्योंकि हमारा की बस ही लेट आती है। तो हमारा आज का दिन कैसा था? आज का दिन थोड़ा टफ था, मैथ दे की दिमाग खराब, बस मैथ के किस्से लेती रहती है, जा यहाँ से, मैं तुझे जानती नहीं। पहले सिद्रे दिमाग, ये दो कबाड़ खाने उनके पास जा रहे हैं हम लोग। जूम कर थोड़ा सा, तब तो बैग रख सुनने। ये जनाब कमेंट्री करो ना जी थोड़ी जी, ये दोनों पागल हुए हैं, इनका खुद का रोजा नहीं होता, दूसरों को बर्बाद जी रखी तक पागलों की तरह, देखो क्या हरकतें कर रही है, पूरी यूनिवर्सिटी के लोग इनको देख रहे हैं। इधर सामने रखो, सामने सामने आओ जी आओ जी, इन मेहमाना अपना अपना बंदोबस्त आप कर के दें। क्या करते तुम लोग, बैठ जो गए थे, शेर जवान जी, बहादुर बच्ची, वेट लिफ्टर, हाँ वेट लिफ्टर है ना। चले चले रुको रुको जी, जूम किया जरा ऐसे पीछे कर, कमजोर लोग बैठे हैं, मुझे नींद आ रही है बहुत, कमजोर लोग बैठे हैं। वेट लिफ्टर जी, इन्होंने पूरा बेंच उठा लिया, वाओ, हम ताकतवर है बहादुर, हम लोग दूध पीते हैं और वो सामने भाई मुझे तो, ये अभी ज़ैनब की कजन आने वाली है इसे ले जाने के लिए, लेकिन मोहतरमा मुझे लग रहा है अभी अभी बन रही है, घंटा हो गया आई नहीं रही।
मुझे लग रहा है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती यार, वो देख ना आधा घंटा 11:30 के बाद ही आएगी। मुझे तो ये इतनी पोजेसिव इतनी प्रोटेक्टिव माँ है ना, मतलब इसे लग रहा है मैं इसके बच्चों को खाने आई हूँ। मून मैं नहीं खाती यार, मैं नहीं खाती कसम से, रोज़ा है मेरा मुनी, मतलब हट ही नहीं रही कि मेरे बच्चों को कहीं निगल ना जाइए। इतनी गंदी बच्ची होगी हो तुम चुड़ैलनी, इधर देखो मेरी तरफ, पहली रोज़ा लग रहा है और तुम ऊपर से नखरे दिखा रही हो मुझे। आज रमज़ान का तीसरा जुम्मा है तो हम फटाफट कपड़े चेंज करते हैं और नमाज की तैयारी करते हैं। सो, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने ये वाले कपड़े पहने, मेरा ये कपड़े पहनने का दिल नहीं कर रहा था लेकिन अम्मी ने कहा कि आज जुम्मा है तो वाइट कपड़े पहनो, तो मैंने ये वाले पहन लिए। सो, मैं अभी नमाज़ पढ़ती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली और अभी मैं किचन में जाऊँगी और मतलब मेरे हिस्से का जितना काम है वो मैं सारा कर लूँगी और बाकी जो रह जाएगा वो आप ही करेंगे। अभी वैसे 2 बज रहे हैं लेकिन जितना काम मुझसे हो सकता है वो मैं कर लूँगी और फिर बाकी जो काम है वो ऑफ कोर्स आप ही और अम्मी करेंगी। मैंने सोचा था आलू और प्याज वगैरह भी काट के छोड़ देती हूँ, मतलब काट देती हूँ पकौड़ों के लिए, लेकिन अम्मी ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है। 3 hours later. ये आप ही पकौड़े तल रही हैं लेकिन आधा काम मैंने भी किया है और यहाँ पे चाय बन रही है। ये क्या है, ये दाल है। उफ, दाल तो मतलब लाइफ का इंजॉयमेंट वाला पार्ट है अगर इसके साथ चावल हो तो। और इधर ये अंकल ने हमें इफ्तारी भेजी है, इसमें पुलाव है और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स पकौड़े और समोसे जो मैं खाऊंगी। ये स्पेशली डिश हम लोगों ने आप ही के लिए बनवाया है, ये आप ही कच्चा खाती हैं, उन्हें कच्चा बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोग पके हुए खाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आज हमने इफ्तारी में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मेरे अलावा कोई काम ही नहीं करता। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। शाफरी हम दूटो बार कहाँ है, वो कहाँ है, वो रे इधर उठा के ले, ये तीनों को और खुद इधर जाके लेटी हुई है। उठो ना चुड़ैली, इफ्तारी नहीं करनी, रोज़ा नहीं रखा हुआ तुमने, है मून रोज़ा नहीं रखा, सुबह से 4 साल खा के रोज़ा पे 4 नहीं 6। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।